सीडीएस विपिन रावत अंतिम दर्शन करुछंती अनेक वीवीआईपी वीआईपी एवं जनसाधारण दर्शन पाई मध्य सरकार तरफ कहुई जनसाधारण देशर वीरपुत्र दर्शन करेंगे और यह स्वतंत्र व्यवस्था करो मैंने से दुर्घटन प्राण हर समस्त देश शोक अच्छी देश वर्तमान समस्त को प्रणाम करुच्चे किभली भाव देश मातृकार सेवापी देश मातृकार परिचय बजाय रखापी देश को अक्षत रखापी दीर्घ वर्ष धरी जो योजना करते जो परिश्रम करते तार फल वर्तमान देश पाँची अनेपटे प्रत्येक भारतीयवासी मनरे शोक अच्छी दुखित जे के एक दुर्घटन भारत तार प्रथम सीडीएस को हराई विपिन रावत जे कि स्थलसेनार मुख्य मध्य थिले परे केन्द्र सरकार तांकु प्रथम सीडीएस भाव नियुक्त देते कांधरे से भार दिया जाइतला जे समग्र देश को अक्षत रखिबार भार जो भार को से बेस दृढ़तार सहित तुलाई दृढ़तार सहित से दायित्व को सुचारू रूपे निर्वाह करते एवं समग्र विश्व को एक बार्ता दि जाइला जे भारत जेकोसी परिस्थित जेकोसी स्थित निजर शत्रुर मुकाबला करने प्रस्तुत एवं निजकु सुरक्षित रखापी तैयार ना पाकिस्तान ना चीन ना जेकोसी बाह्य शक्ति जी भारत को नाली आखिरे देखेब नाली आखि देखेब भारत आखिरे आखि मिस नाली आखि देखेब तो प्रथम सीडीएस भाव दायित्व ग्रहण करते विपिन रावत एवं दायित्व ग्रहण करने अनेक पदक्षेप दुई दुईट सर्जिकल स्ट्राइक श्रेय तांकु जाए जे कहा जाए दुई दुईट सर्जिकल स्ट्राइक को सुपरिचालना करने विपिन रावत का अधिक भूमिका ग्रहण करते विपिन रावत एवं प्रथम सीडीएस भाव दायित्व देते केन्द्र सरकार एवं कन्नौर से दुर्घटना पर समस्ते प्रथम तो विश्वास करें से विपिन रावत पत्नी सहित निजे उपस्थित थे परवर्त समय जो चित्र धीरे धीरे स्पष्ट होबार लगला एवं अपराह चित्र आसी पहुँचला जे विपिन रावत से प्राण हर तो तापर समग्र देशर एवं विदेश शोकर सु आसी शोक व्यक्त कर प्रमुख व्यक्ति मैंने भारतीय सेना को भारतीय स्थलसेना कथा कहतु एवं सीडीएस तीन सेना को किभली भाव उपयुक्त समन्वय सहित बांधि रखा जेकोसी परिस्थित मुकाबला करने प्रस्तुत रहा परामर्श देवा एवं प्रत्येक जितेबले भी भारत आवश्यकता करी सेना मुख्य गुरुदायित्व को जिते अनुभव करपिन रावत सामना को आसी निजर सुदक्ष सहित यार परिचालना कर सीडीएस जो भाई भाव कार्य कर खासकर चाइना बॉर्डर में चीन सहित भारतीय सीमार जो भाई भाव बंकर निर्माण करा अत्याधुनिक अस्त्रशस्त्र सज्जित भारतीय सेना सेठार उपस्थित अच्छा तेणु कहुचे यार समस्त श्रेय अधिकांश श्रेय विपिन रावत को जाए जे कि दीर्घ दिन धरी किभली भाव चीन मुकाबला आम करवा किभली भाव चीन को आ गोटे इंच स्थान दिज्व ना अख्तियार करने को सुजोग दिज्व ना से प्रति से दायित्व से सुपरिचालना से परिकल्पना करते विपिन रावत अनेक योजना प्रस्तुत करागला जो योजना आधार में आज भारत समग्र विश्व आगरे मुंड टेक छिड़ा होती प्रमुख शक्ति भाव सामरिक शक्ति भाव एवं भारतीय सेनार वरिष्ठ पदाधिकारी मैंने पहुँचुंती वरिष्ठ नेतृत्व नहीं देशर सामरिक शक्ति को आहुरी सुदृढ़ कर पूरा विश्व यह एक स्वतंत्र परिचय दे जनरल विपिन रावत का शेष सम्मान पाई अनेक व्यक्तिशेष पहुँचुंती शेष दर्शन पाई समस्त आखिरे आखि लुह एवं समस्ते मुहरे से गोटे कथा जे टे जल्दी हो गला आहुरी अनेक किसी बाकी थिला देश को देवाई देश आहुरी अनेक किसी आशा रखी सीडीएस विपिन रावत
ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକେ ଯେତେବେଳେ ଗତକାଲି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ଥିଲା ଯେ ଗାଁ ପାଇଁ ଅନେକ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଅନେକ କିଛି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ପରେ ଅବସର ପରେ ଗାଁରେ ହିଁ ଯିବେ, ଗାଁରେ ବଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ନିଜର ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇ, ଯାହାକି ହରିୟାଣାରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶ ମର୍ମାହତ କରିଛି ଏବଂ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ କେଉଁଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରି, କାରଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଦେଶଭକ୍ତ ଆଉ ଦେଶ ପାଇଁ ଅହରହ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ସି ଡି ଏସ୍ ବିପିନ ରାୱତ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଦେଶଭକ୍ତ ଭାବେ ଅଭିହିତ କରିବା ସହିତ ଦେଶ ପାଇଁ ଅହରହ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ସି ଡି ଏସ୍ ବିପିନ ରାୱତ। ଏ ନେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ, କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଏକ ବୀରପୁତ୍ରକୁ ହରାଇଛି ଯିଏ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ନିଜ ଦେଶକୁ, ନିଜ ମାତୃକାକୁ ସେବା କରିଛି ଏବଂ ଅକ୍ଷତ ରଖିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ଦୃଢ଼ ପ୍ରୟାସର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଯେଉଁଠି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଅତିବାହିତ କରିଛନ୍ତି ବିପିନ ରାୱତ, ସେହିଠାରେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ରଖାଯାଇଛି। ବିପିନ ରାୱତଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ଭିଆଇପି, ଭିଭିଆଇପି, ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସି ଡି ଏସ୍ ବୀରପୁତ୍ର ବିପିନ ରାୱତଙ୍କର। ଜଣେ ବିଚକ୍ଷଣ ସୈନିକ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ସୁଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ବିପିନ ରାୱତ। କୁହାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ସୈନିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଜ ଆଡ଼ୁ କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ପରିସ୍ଫୁଟିତ ହେଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ସରକାର ସହିତ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ସୁକାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଭାରତ ଆଜି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସାମରିକ ଶକ୍ତି ହିସାବରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିଛି। ତ ନିରନ୍ତର ଭାବେ, ଲଗାତାର ଭାବେ ଦେଶ ସେବା କରିବା, ଦେଶ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଅହର ଦେଶ ପାଇଁ ଭାବିବା ଥିଲା ତାଙ୍କ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଦେଶକୁ ଅକ୍ଷତ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ବରିଷ୍ଠ ପଦାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ, ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ବୈଠକ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା, ରଣକୌଶଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଚୀନ ସହିତ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଅହର ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ହୁଏ, କେଉଁଭଳି ଭାବେ ମୋରାଲିଟି ଜମାରୁ ଡାଉନ୍ ନ ହେବ, କେଉଁଭଳି ଭାବେ ମନୋବଳ ହରାଇବେ ନାହିଁ ସୈନିକ, ସେମାନଙ୍କ ମନୋବଳ ଉଚ୍ଚା ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ଅନେକ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଧୋଲା କୁଆଁରେ ଥିବା ବ୍ରାର ଶ୍ମଶାନରେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ହେବ ଶବଦାହ। ଶହୀଦ ଯବାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତିମ ବିଦାୟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଆଜି ସି ଡି ଏସ୍ ବିପିନ ରାୱତଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ।
राज्य विधानसभा आरंभ हो सारी विष्णु सेठी प्रतिक्रिया रखुं सीधासल नहीं चलु डाक्तखाना विधानसभा चलिए पांच मिनट सत मिनट केत मर ता ठीक नहीं आमर कहार कथा हूँ गणतांत्रिक पद्धति बाचस्पति पांच दिन पर सर्वदलीय बैठक डाक निष्पत्ति पारे नई पारे बाचस्पति नियम सरकारी दल नियम मुख्यमंत्री दायित्व गृह केमी चलो किंतु गृह प्रति एत अवमानना आप मुख्यमंत्री उपस्थित दिन देखिले सांबादिक बंधु मैंने पचार मुख्यमंत्री कहीं आसुना कड़े अच्छा किए गोड़े छंद लगे सी आसीपार ना भर्चुआल जी होता भर्चुआल सब कथा ही जाता लोकसभा कहीं चलती राज्यसभा कहीं चलती अन्न्य राज्य कहीं चलती से कथार उत्तर एभली एक ममिता मेयर घटना एक संवेदनशील प्रसंग मुख्यमंत्री से भर्चुआल रैली चलिए अभिचुआरी तेणु गृहर अभिचुआरी केवल संपादन हो छड़ा कि नुह एक अथर्व स्थाणु सरकार एवं आमर जड़े बंधु ये कहते स्वर्ग देवदूत जमी आई विजु जनता दल प्रतिनिधि मैंने जो भाव कथबार्ता कर घट बाड़ेला किए कौन पाटतुंड कला प्लाकार्ड देखेला चलो तुम्हें काटी कुटिकी जेसीबी आणिके पोटी पकाउछ लोक पुणे महिला मान को माँ को सम्मान कुंदुली बेबिना स्मिताराणी जड़े दंडित है कि तेणु जो मैंने चांदाण प्रवृत्तिर राजनैतिक लोक अच्छा से मैंने चाहती क्षमता प्रमत्ता है दिन जमी दुर्योधन दुशासन रावण कुंभकर्ण रोले आज तार पुनरावृत्ति हला भली आमको लागुछ काली जो काली पुलिस बल प्रयोग कला विचारण अनुमान को परे मात्रा काल पर जाय गला या बीजेडी को अपन हिंसा राजनीति अपन खाली हिंसा रे विश्वास सेठी काली जो बुढी भाबे ढंग रे अपन प्रतिवाद बोले अपन युव युव नेता माने स्वाधीनता संग्रामी जहां को आमे कहउछु से माने भी बलिदान दीछंती एवं बहुत समय रे लक्ष्मण नायक भली मो जिले 38 जन पुलिस गुड़ी रे ब्रिटिश सैन्य द्वारा निहत होते से कहीं प्रतिवाद करते जिते मनीषर मौलिक अधिकार क्षुण्ण हे जिते मनीषर निरापत्ता विपन्न हेब जिते मार सम्मान रही भारतीय जनता पार्टी एक भाया केवल या क्षमता प्रमत्त हो हिंसा अहिंसा ना गांधी ना सब बेले हत्याकांड करे डबल मर्डर ट्रिपल मर्डर दिन दीपर राजनी कौन हूँ भुवनेश्वर साढ़े एगारटा पर परिवर्तन हम विरोधी कार्य मुझे उलैनी जा भर को तुम मत पचार जाए आम पटिहार कथा कर नीति आदर्श बीजेपी अनुप्राणित भागुचे केंद्र राज्य गृहमंत्री पुओ जो चाषी गाड़ी चढ़ी मारदे चाषी को सुप्रीम कोर्ट भी घोषणा कले भवन रे होची चित्र जो बिपिन रावत सहित जनरल रावत सहित ये खुद फौजी हो देश सेवा में हमेशा तत्पर रहना हमेशा मुस्तैद रहना
यही हमारी सबकी जिम्मेदारी है। मुझे इस बात का फख्र है कि ब्रिगेडियर लीडर शुरू से राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में जब हम 16 साल की उम्र में गए थे तब से लेकर अभी तक हम सबसे ब्राइटेस्ट फौजी ऑफिसर, और उन्होंने कश्मीर में अपनी सेवा दी, विदेश में अपनी सेवा दी, और भारत की सेना में मेजर जनरल की रैंक उनको मिल चुकी थी और उनका पूरा करियर आगे था। तो देशर प्रथम सीडीएस बिपिन रावत का श्रद्धांजलि जनाउछंती व्यक्तिविशेष माने तांका सरकारी बासभवन रे तांका पार्थिव शरीर रहिछे, तसहित तांका पत्नी का शरीर मध्य रहिछे पार्थिव शरीर। उभयंको आज शेष दर्शन सहित शेष सम्मान जनाउछंती देशर प्रमुख व्यक्तिविशेष माने जो माने पहुँचुछंती तांका सरकारी बासभवन रे, एवं आउ किछि समय परे साधारण जनसाधारण मध्य दर्शन करिवार व्यवस्था रहिछि। सरकार तरफ कहुछि जे देशर ए वीरपुत्र को शेष विदाय देवाई समस्ते आसीपारे, समस्ते दर्शन करें, एवं समग्र विश्व देखिए भारत के भाव तार एक वीरपुत्र जेक जीवन तमाम भारत मातार सुरक्षापाई भारत सीमा को सुरक्षित रखापी पण कर सुरक्षित रखिता विभिन्न योजना प्रस्तुत कर निज शत्रु को कड़ा जवाब देता विदाय देवाई कि भाव समग्र भारतवासी एकाठी होती। समग्र देश में आज शोकर छाय, समग्र देश आज बिपिन रावत अमर रहे ए नारा देपर्यंत सूर्य तारा अच्छी जेपर्यंत भारत अच्छी से पर्यंत बिपिन रावत को ए देश मन रख, कारण प्रथम सीडीएस भाव से अनेक कार्य करवर्ती समय गुड़िक देश को सुरक्षित रखबार देश को अक्षत रखबार यह प्रमुख योजना गुड़िक प्रमुख भूमिका ने। प्रति जवान जो माने सेनारे जोग दिंती पण कर देशर सेवा करेंगे देशपाई जीवन देवे एवं देशपाई जीवा पूर्व किसी करेंगे। बिपिन रावत से ही जड़े जवान थे जेकि सैनिक भाव में जितेबाला जोग देते से सेना अधिकारी भाव से अनेक कार्य करुते कहूँ ग्रुप्रे जो ग्रुप सहित से ट्रेनिंग ने भितर बिपिन रावत स्पष्ट भाव बारी हो पड़ुते निजर कर्मकुशलता निजर साहसिकता निजर वीरत्व सब कार्य आगुआ थे बिपिन रावत। एवं बयस बढ़िया सहित धीरे धीरे से विभिन्न पदा सेनार विभिन्न पदर मध्य रही से निजर दक्षता को प्रतिपादित करते जो दक्षर दक्षता थी सेना को आगे नेबारे सेना को शक्ति देवारे सेना को नेतृत्व नेबारे से दक्षतार से संपूर्ण उपयोग करते भारतीय सेना को सुदृढ़ करार भारतीय सेना को समग्र विश्व एक स्वतंत्र परिचय देवारे सामरिक शक्ति हिसाब से भारत आज जो स्तर में पहुंची से ही स्तर को जीवाई बिपिन रावत जो योगदान था आम समस्त स्वीकार करने को पड़ो से जोभली योजना विगत दुई तीन वर्ष भितर प्रस्तुत करतीपाई चीन सहित आम आखिरे आखि मिसे लड़े कर पारे पाकिस्तान को भयभीत करें जी पाकिस्तान कौन सी आतंकी पूर्व जी आतंकी हमला होता आतंकी हमला कमी बिपिन रावत एवं वरिष्ठ पदाधिकारी सहित मिसी सरकार सहित मिसी जो योजना करते धीरे धीरे फलप्रद जहाँकि समग्र देश देखुचे विभिन्न राजनैतिक दल नेता पहुँचुंट दल मत निर्विशेष समस्ते बिपिन रावत को शेष दर्शन शेष श्रद्धाजलि पहुँचुंट जो भाई भाव देशपाई सेवा कर देशपाई निज प्राणबली सर्वोच्च त्याग कर तेणु समस्त मन में से गोटे कथा जे टे जल्दी चलीगले बिपिन रावत कारण गाँव लोक से सामान कथा कहते जे अवसर पर से योजना करते गाँव में रही गाँव विकास में अनेक कार्य करे कि कथा को रखि ना अधा बाटे छाड़ चलीगले भाव विहल हो कहते गाँ लोके चित्र सामना को आसूरी सरकारी बासभवन जो अनेक व्यक्ति पहुँचुंट स्मृतिचारण करुंटे के भाव बिपिन रावत सहित सेमकर संपर्क था कि भाव बिपिन रावत जन दक्ष अफिसर थे निज क्यारिययर में प्रथम रु शेष पर्यंत भारत सेवाई भारत को सामरिक क्षेत्र में सुदृढ़ करने कौन सब पदक्षेप नहीं परवर्त समय फलस्वरूप होमृतिचारण करेक व्यक्ति विशेष।
ବରାର ସ୍କୋୟାରରେ ଚିତ୍ର ଯେଉଁଠି ସେନାର ତ ଅନେକ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଭିଭିଆଇପି ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ନେତା, ଅନେକ ଆଇଏଏସ୍ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ସେଥିରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯାହାକି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସେବା କରିଯାଇଛନ୍ତି ଦେଶର ଏବଂ ଦେଶ ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଶ ମାତୃକାରେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନକୁ ଆଜି ବିଦାୟ ଦେଉଛି ସମଗ୍ର ଦେଶ। ଏବଂ ସମଗ୍ର ଦେଶ ଏହା ମଧ୍ୟ ନାରା ଦେଉଛି ଯେ ଜବ୍ ତକ୍ ସୁର ଚାନ୍ଦ ରହେଗା ତବ୍ ତକ୍ ବିପିନ ରାୱତଙ୍କ ନାମ ରହେଗା। ତ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଶେଷ ବିଦାୟ ଜଣାଉଛନ୍ତି ସେହି ସାଥୀଙ୍କୁ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ସେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ବସି ଅନେକ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ଶତ୍ରୁକୁ ମାତ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ଶତ୍ରୁକୁ ଚକମା ଦେବା ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ସେହି ସାଥୀକୁ ଆଜି ବିଦାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ଏ ଚିତ୍ର ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ବିପିନ ରାୱତ। ଜଣେ ସୈନିକ ଭାବେ ନିଜ ଭିତରେ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଥିଲା, ନିଜ ଭିତରେ ଦୃଢ଼ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେଶ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରଣନୀତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଳଜଳ ହୋଇ ଦେଖାଯାଉଛି ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକରୁ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଶେଷ ବିଦାୟ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ବିଚକ୍ଷଣ ସୈନିକ ଏବଂ ଜଣେ ବାସ୍ତବ ଦେଶଭକ୍ତ ଥିଲେ ବିପିନ ରାୱତ। ଜେନେରାଲ ରାୱତ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 2 ବେଳେ ତିନି ବାହିନୀର ସାମରିକ ବାଦ୍ୟ ବାଜଣ ସହ ଦୁହିଁଙ୍କ ଶବ ଧୌଲା କୁଆଁରେ ଥିବା ବ୍ରାର ଶ୍ମଶାନକୁ ନିଆଯିବ। ବିପିନ ରାୱତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଶବ, ପତ୍ନୀ ମଧୁଲିକାଙ୍କ ଶବ କାମରାଜ ମାର୍ଗସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ଏବେ ରଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛୁ। ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଶେଷ ବିଦାୟ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ସେନାର ଏହି ବିଚକ୍ଷଣ ସୈନିକ, ବିଚକ୍ଷଣ ପଦାଧିକାରୀ, ବିଚକ୍ଷଣ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିବା ବିଚକ୍ଷଣ ସୈନିକ ଏବଂ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ସେହି ଦିନଗୁଡ଼ିକର କଥା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ରହିଛି ଆମର ବିଶେଷ ଉପସ୍ଥାପନାକୁ, ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।